के फायदे में है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये हमारा हक है और हमें ये हक ना छीना जाए। ये हमारी पहचान है और हम जब तक हम जिंदा है ये हक हमारे साथ है और ये हिजाब हमारी पहचान है। ये हम मोदी से भी कहते हैं और इंडिया से भी पूरी दुनिया से कहते हैं ये हमारी पहचान है। जब तक हम जिंदा है तब तक ये हमारे साथ है। ये हमारी बहनों का हक है, ये जो हक है ये हमें कुरान से मिला है और हमारा दीन हमें यही सिखाता है। जो हमारा दीन हमें सिखाएगा उसे हम कतान पीछे नहीं हटने वाले और हम उसी पे पाबंद रहेंगे। अगर हम किसी और हमारी यहाँ की सरकार से यही गुजारिश रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों से यही गुजारिश रहेगी कि मुसलमानों के जो हकूक है वो उन्हें पूरे पूरे के पूरे मिलने चाहिए, ना कि उनको छेड़ा जाए। इस बात से हिजाब हमारी जी। जितनी भी सरकार है उनसे मौजबाना गुजारिश की जाती है कि हम अभी पुरअमन तशद्दुद पे निकले हैं, हमें मजबूर ना करें। मैंने पहले भी कहा है कि शेर जब पिंजरे में होता है उसका मतलब ये नहीं कि वो दहाड़ नहीं सकता और वो पिंजरे का दरवाज़ा खोल नहीं सकता। खुदा रहा कम से कम हम हमारे लिए फैसला करो। और आखिरी बात नहीं कहूँगा कि पूरी दुनिया की मुसलमान हुकूमत से ये विनती की जाती है, गुजारिश है हमारी तरफ से, बल्कि पूरी मुसलमान मिजाज की तरफ से ये विनती की जाती है कि हमारे लिए दुनिया के उन नामवरों में भी हमारा नाम लिया जाए जो अपने वतन और अपने इश्क में खुद को हलाल भी कर सकते हैं। अगर हम हिंदुस्तान के हैं तो हमें क्यों नहीं हक मिल रहा है? हम पूरी जम्मू कश्मीर बल्कि पूरी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि इस हक को ना छीना जाए, जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में भी इसका फैसला सुनाया जाए और ये हमारा हक है। मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये हिजाब हमारा हक है, इसे छीना ना जाएगा। ये हर लड़की के लिए ये तहफ़ुज़ है, लड़की के लिए पर्दा, हर किसी की लड़की के लिए, चाहे हिंदू है चाहे सिख है चाहे। अगर हम किसी हिंदू लड़की को मजबूर नहीं कर रहे हमें मत करो, हमें भी मजबूर मत करो। ये हमारा हकूक है, पर्दा हमारा हकूक है, हिजाब हमारा राइट है, इस्लाम में ये हमारा राइट है। हम इससे हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि क्या हमें छीन जल्द फैसला लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।